हेलो एवरी वन दिस इज अमित एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इफ यू हैवेन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेरा सिलेबस प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर फोर क्लास नाइन्थ सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट थिंग लाइक इंट्रोडक्शन हम कुछ चीजें देखेंगे uh, कि क्या लीनियर का मतलब क्या होता है इक्वेशंस का मतलब क्या होता है वेरिएबल का मतलब क्या होता है मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को जो हमारी लास्ट क्लासेस हैं उसमें बता चुका हूँ बट स्टिल मैं एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ तो सबसे पहले चीज़ आती है कि वट डू यू मीन बाई लीनियर लीनियर का मतलब क्या होता है तो जैसे आपने लास्ट क्लास में जो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें एक मैंने चीज़ बताई थी कि जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं एक एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो राइट ये हमने एक इक्वेशन लिख ली है तो यहां पे ये लीनियर है या स्क्वायर है या क्यूब है कैसे पता लगेगा ये हमें पता लगता है डिग्री से किससे पता लगता है बच्चों डिग्री से पता लगता है कि इक्वेशन की डिग्री क्या है तो यहाँ पे डिग्री क्या है वन अब बात आती है कि डिग्री क्या कैसे पता लगेगा तो जो इक्वेशन है उसकी हमें जो वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है तो यहां पे वेरिएबल क्या है यहां पे वेरिएबल है एक्स और उसकी पावर क्या है उसकी पावर है वन राइट right? तो लीनियर इक्वेशन के लिए ऑलवेज आप लोगों को याद रखना है कि जो डिग्री रहेगी इक्वेशन की वो क्या रहेगी वन रहेगी तो ये मतलब होता है लीनियर का राइट right? इसके बाद आता है इक्वेशन कि इक्वेशन क्या होती है तो कोई भी चीज जहां पे इक्वेलिटी का साइन आ जाता है इक्वेट का मतलब किसी भी चीज़ को दो कंडीशंस को इक्वल करना राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दू x प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन राइट तो ये एक इक्वेशन हो गई क्यों क्योंकि यहाँ पे जो x प्लस वाई वेरिएबल की कंडीशन वो इक्वेट है किसके इक्वल है नाइन के इक्वल दैट मीन्स x की कोई वैल्यू होगी y की कोई वैल्यू होगी बट वो दोनों एड होके किसके इक्वल आएंगे वो आएंगी नाइन के इक्वल ट मीन्स इक्वेशन क्या होगी जिस भी चीज में इक्वल का साइन आएगा वो एक इक्वेशन बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन अब बात आती है वेरिएबल की तो ये मैंने जब आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करवाया था उसमें भी बताया था स्टिल एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है मान लो फॉर एग्जाम्पल टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन ये मैंने एक रेंडम इक्वेशन लिखी है तो यहां पर वेरिएबल का क्या मतलब है right? राइट तो यहां पर वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल दैट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होगी राइट right? तो जिसकी दैट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी जो चेंजेबल होगा चेंजेबल होगा राइट right? तो यहां पे क्या है एक्स है और वाई है यहां पे जो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है वो क्या नहीं है बच्चों वो फिक्स नहीं है वो कुछ भी हो सकती है दैट मीन एक्स को हम कुछ भी ले सकते हैं वाई को हम कुछ भी ले सकते हैं तो ये वेरिएबल हो गए अब यहां पे इक्वेशन आ जाती है वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल राइट तो जिस भी इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा अगर मैं एग्जांपल लिखूं एक्स इज इक्ल टू टू राइट या एक्स प्लस कुछ भी वोटैवर तो यहाँ पे क्या है एक वेरिएबल है राइट right? तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर मैं लिख दूँ एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू नाइन तो यहाँ पे क्या हो गया वेरिएबल कितने हो गए एक एक्स हो गया एक, एक वेरिएबल वाई हो गया तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए टू वेरिएबल्स हो गए तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो मैंने आप लोगों को ये तीन चीज बता दी है कौन कौन सी एक तो डिग्री डिग्री से हमें पता लगेगा कि वो लीनियर है या नहीं है उसके बाद एक इक्वेशन क्या होती है और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया वेरिएबल क्या होता है तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है तो यहां पे अब आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें अगर मैं लू वन वेरिएबल में राइट वन वेरिएबल तो वेरी मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंने लिखा x इज इक् प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन मैंने एक एग्जाम्पल लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया जब हम इसको सॉल्व करेंगे वन वेरिएबल है राइट right? यहाँ पे वन वेरिएबल की बात हो रही है तो मैं क्या करूंगा x को मैं इधर रखूंगा और टेन और ये इसको मैं क्या करूँगा इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री तो यहां पे x की क्या वैल्यू आ गई सेवन आ गई ट मींस जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वन वेरिएबल में उसका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन, राइट कहीं पे भी अगर आप वन वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसका क्या आएगा एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तो यहां पे जैसे x की वैल्यू सेवन ही रहेगी लेकिन अब अगर हम बात करें अब मैं बात करूं टू वेरिएबल में टू वेरिएबल अभी मैंने वन वेरिएबल की बात की तो इसमें मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों क्या एग्जाम्पल लेते हैं X प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स राइट तो अब यहां पे देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये इक्वेशन जब सक्सेस कब होगी या इक्वेट कब होगी मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि मैंने एक बार x को रखा वन एक बार मैंने x को रखा टू एक बार मैंने x को रखा थ्री फॉर एग्जाम्पल हम थ्री चीज़ ले लेते हैं अगर मैं एक्स को वन लिखता हूँ तो ये वन हो गया प्लस ये हो गया वाई और ये क्या है सिक्स तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वाई और ये वन आ जाएगा इधर तो सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा फाइव तो वाई की हमारी वैल्यू आई क्या फाइव अगर मैं एक्स को टू रखता हूँ तो यहाँ पे रखो टू प्लस वाई इज इक्वल टू तो सिक्स और ये क्या हो जाएगा बच्चों वाई इज इक्वल टू तो सिक्स माइनस टू ये आ गया फोर तो यहाँ पे अगर x को टू लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई फोर हो गई अब यहाँ पे अगर ले लेते हैं x थ्री तो ये हो गया थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स ये हो गया वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री ये आ गया थ्री दैट मीन्स हर एक x की वैल्यू के लिए हमें y की एक नई वैल्यू मिल रही है कि जितनी बार भी हम एक्स को कुछ भी रखेंगे तो हमें वाई की एक वैल्यू मिलेगी या उल्टा कर लीजिए कि कोई भी हम वाई की वैल्यू को रखेंगे तो हमें उसके लिए एक एक्स की अलग वैल्यू मिलेगी दैट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वहीं जब हमने वन वेरिएबल में बात करी थी तो उसके कितने सॉल्यूशन आए थे उसका आया था यूनिक सॉल्यूशन आया था लेकिन अगर हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे सॉल्यूशंस क्या आ जाते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तो ये एक चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए आगे सॉल्व करोगे तब आप लोगों के काम आएगी इसके बाद आ जाता है प्लोटिंग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इसमें हमें क्या करना है आ, कि अगर आपको एक इक्वेशन दे है कितने वेरिएबल्स में बच्चों टू वेरिएबल्स में और आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है तो वो आप कैसे करोगे चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताता हूं दैट मींस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट लेते हैं राइट तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है ये मेरा हो गया x ये मेरा हो गया y अब आप लोगों को एक्स की कोई भी वैल्यू रखनी मान लीजिए मैं पहली रखता हूं वन दूसरी रखता हूं टू थ्री राइट तो अगर मैं पुटिंग x इज इक्वल टू वन तो y क्या आ रहा है हमारा ये एट है बच्चों मैंने ये जीरो बन गया एट है राइट तो ये क्या आ गया कि x को अगर हम वन रख रहे हैं तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू एट और वाई तो की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी सेवन तो हमने x को वन रखा तो y हमारा क्या आया सेवन अब मैंने क्या करा पुटिंग एक्स इज इक्वल टू सेवन तो ये यहां से क्या वैल्यू दे देगा आपने को एक्स इज इक्वल टू 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 तो ये आया गया टू प्लस वाई इज इक्वल टू एट तो यहां से वाई आ जाएगा मेरा सिक्स ये आ गया सिक्स जब मैं x को पुट x इज इक्वल टू थ्री तो क्या आ जाएगा मेरा थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू एट तो वाई आ जाएगा हमारा फाइव ये आ गया हमारा फाइव ये हमारे पास थ्री पॉइंट्स हो गए अब बात आती है कि आप उसको प्लॉट कैसे करोगे तो मैं एक आपको रफ आइडिया दे देता हूं आप लोगों को ये स्केल से करना है ये हमारा होता है एक्स और ये हमारा होता है बच्चों वाई तो देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है थ्री तक वन टू एंड थ्री राइट ये हो गया हमारा वन ये हो गया हमारा टू ये हो गया थ्री और वाई की कितनी जा रही है सेवन तो ये ले लेते हैं टू टू के गैप पे टू फोर सिक्स और मान लीजिए यहां पे वो आएगा एट तो देखो एक्स वन है मेरा एक्स वन है तो वाई कितना है सेवन दैट मीनस अराउंड यहां पे होगा उसके बाद मेरा एक्स टू है टू हो गया, तो वाई कितना है मेरा सिक्स है दैट मीनस ये यहां हो गया थर्ड में है एक्स थ्री देन वाई कितना है मेरा फाइव तो वो फाइव यहां पर आएगा राइट जब आप इसको स्केल से करोगे बच्चों तो आप लोगों को पता है जब आप इसको स्केल से करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा यहां से जब आप लाइन लगाओगे तो ये ऐसे कुछ बनेगी आप लोगों की राइट इसको स्केल से करोगे जब आप ये ऐसे बन जाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा जब आप इसको स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल आपका प्रॉपर आएगा तो ऐसे अगर आपको कोई इक्वेशन दे है तो उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है राइट अब बात आती है लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वेरिएबल में तो वन वेरिएबल में मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए मैंने ले लिया एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो राइट ये ले लिया मैंने तो यहां से आप लोगों को पता है जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस राइट ये हमारा हो गया ओरिजिन तो कैसे करते हैं देखो यहां पे अगर मैं करूंगा इसको सोल्व तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू ये बच्चों क्या आ गया थ्री आ गया राइट तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो क्या हो गया ये हो गया वन ये हो गया टू ये हो गया थ्री राइट ये हो गया वन ये हो गया टू ये हो गया थ्री तो यहां पे वाई तो कुछ है ही नहीं अगर हम वन वेरिएबल की बात करें तो यहां पे एक्स है तो एक्स क्या है थ्री है तो ये हमारा प्लॉट हो गया एक्स इज इक्वल टू थ्री राइट लेकिन अब मैंने यहां पे लिखा है टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो यहां पे देखते हैं मान लीजिए मैंने वो एग्जांपल लिया था क्या लिया था एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो राइट तो मैं इसको अब मैं टू वेरिएबल में कैसे लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं वन मल्टीप्लाई एक्स ये प्लस ज़ीरो इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो अब हमारे पास वेरिएबल कितने हो गए एक हो गया एक्स एक हो गया वाई लेकिन अगर मैं सोल्व करता हूं तो आ तो यही रहा है राइट तो अब यहां पे क्या कर लेते हैं यहां पे लिख लेते हैं मान लीजिए मैं एक्स को लेता हूं वाई uh, को लेता हूं मैं ज़ीरो ठीक है तो एक्स क्या आ जाएगा मेरा एक्स प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहां से एक्स मेरा क्या आ गया थ्री आ गया मैंने y को जीरो लिया मेरा x क्या है थ्री आया राइट अगर मैं y को ले लेता हूँ तो वन तो मेरा x क्या आएगा तो मेरा x प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा x इज इक्वल टू ये तो इससे जीरो हो जाएगा फिर आ गया थ्री ये आ गया अब मैं थर्ड ऑप्शन ले, ले लेता हूँ बच्चों मान लीजिए मैंने y को ले लिया टू तो मेरा x क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या है एक्स जीरो अब बात आती है ग्राफ प्लॉट करने की तो चलिए एक बार ग्राफ देख लेते हैं ये हो गया वन ये हो गया टू ये हो गया थ्री ये हो गया फोर ऐसे ही वाई वन वाई टू वाई थ्री ठीक है यही हो गया हमारा प्लेन तो देखो मैंने जब एक्स वाई को जीरो लिया तो एक्स क्या है थ्री है वाई मेरा जीरो यहाँ पे है एक्स क्या है

तो ये क्या आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी और किसके पैरेलल आएगी वो वो पैरेलल आएगी वाई एक्सिस के राइट right? ऐसे ही अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल चाहिए तो एक एग्जांपल ले लेना क्या हो जाएगा वाई माइनस टू इजिकल टू जीरो या कुछ भी ले लेना ले ले जिसमें वाई हो तो यहां पे जब आप उसको टू वेरिएबल में करोगे तो वो आ जाएगा जीरो मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई माइनस टू इजल टू जीरो आप इसको सोल्व कर लेना आपकी जो लाइन बनेगी वो किसके पैरेलल बन जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी तो ये यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 बट वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर